वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो क्लास ट्वेल्थ का एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं। वैसे पीडीएफ की फ़ोटोकॉपी आपको स्कूल से भी प्रोवाइड हो जानी है, पर हमने सोचा आपको इससे पहले प्रोवाइड कर दें, इसलिए आप यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है और हम इसका इस वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो पे आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, CSCIL क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल इकाई हैं। सेम पेपर आएगा जहाँ तक पूरा यही, सो आप इसे देख लीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया दर का स्थिरांक इकाई खालिस्तान होती है। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की खालिस्तान शक्ति तो व्यक्त करती है और रसायनों का राजा खालिस्तान रसायन को कहा जाता है। प्रथम संकरण श्रेणी धातु के अतिरिक्त शीर्ष सभी धातु मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। सुपर हैलोजन है, म्यूरिस्टिक अम्ल है, एड्स उत्प्रेरक है और एल्डोज। जो भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अपमिश्रण क्या है, त्रिज्या अनुपात का मान 0.5333 होने पर समन्वयन संख्या कितनी होती है। विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए। आरएनए पे पाए जाने वाले उस नाइट्रोजीनस क्षार का नाम बताइए जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। एक वाक्य में उत्तर। उसके बाद हेनरी का नियम एवं उसकी दो सीमाएं लिखें। ठंडे प्रदेशों में गाड़ी की रेडिएटर जल के साथ ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं, क्यों कारण बताइए। और मीलों की चिमनियों में ध्रूम निरंतरक अपक्षेपक क्यों लगाया जाता है। हार्डी सुलेज का नियम लिखें। देन समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाइए। उप सहसंयोजी क्षेत्र का एवं आयनीकरण क्षेत्र को समझाइए। IUPAC नाम लिखिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की दो सीमाएं लिखिए। और जो भी है कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं। देन अभिक्रिया को समझाइए, विलियमसन संश्लेषण युग्मनज अभिक्रिया। और जो भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी तक आपने इसका जो PDF नहीं लिया है सो टेलीग्राम चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन यही होंगे। बाकी सॉल्यूशन वीडियो हम आपको अभी थोड़ी देर से प्रोवाइड कर देंगे। So thanks for watching friends.